स्वामी जी, आपने इस अभियान की शुरुआत की है, किस प्रकार से अभियान को बढ़ाया जाएगा और क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये यात्रा हमने जो है 5 दिन पहले भूमा निकेतन हरिद्वार से शुरू की थी। आज हम यहाँ देहरादून में हैं। हम पूरे भारत में जाएंगे और भारत के सभी हिंदू संगठन और संतों से कहेंगे कि वो लोग धर्म को बचाने के लिए आ गए हैं। यदि धर्म नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और आज धर्म पर बहुत बड़ा संकट है। सर, क्या आपको अभी भी लगता है कि हिंदू धर्म संकट में? जब ये देश आज़ाद हुआ था तो ये आज़ाद हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। मुसलमानों को 2 देश मिल गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिंदुओं को एक भी देश नहीं मिला। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तब हम यहाँ 92% थे, आज 71% हैं। और जिस तरह से हमारी देवभूमि पहाड़ तक भी इस्लाम के जिहादियों के कब्जे में जाते जा रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के जिहादी जहाँ बढ़ जाते हैं फिर वो किसी को भी वहाँ पे जीवित नहीं छोड़ते हैं। आज बताइए, क्या अरब में कोई दूसरे धर्म का जाकर रह सकता है? जबकि एक दिन पूरा अरब हम सनातनियों का था। पाकिस्तान में तो आज वो सियाओं को नहीं छोड़ रहे, अहमदियों को नहीं छोड़ रहे, खोजाओं को नहीं छोड़ रहे, हिंदुओं की तो जो दुर्गति कर रखी है उन्हें पता ही है सबको। अफगानिस्तान जहाँ वेद की ऋचाएं गूंजी थी, आज वहाँ उन्होंने एक पहाड़ का नाम हिंदू कुश पर्वत रख दिया, हिंदू कुश, जहाँ हिंदू काटे गए थे। ये कैसे संभव हुआ? जब हमारी जनसंख्या कम हो जाती है, हमारा लड़ने का जोश कम हो जाता है, तो ये राक्षस अज्ञानी जिहादी वहाँ कब्जा करके सबको खत्म कर देते हैं। जिहादियों का मतलब मैं नहीं समझ पाया हूँ। एक तरफ हमारा देश जो भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देता है, आप मुस्लिमों को जिहादी कह रहे हैं? नहीं, मुस्लिमों को जिहादी नहीं कह रहा हूँ। जो लोग कुरान में विश्वास करके दूसरों की बहन बेटियों को छीनने की कोशिश करते हैं, जो लोग कुरान में विश्वास करके, मोहम्मद में विश्वास करके दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग अपनी जनसंख्या सुअरों की तरह बढ़ाकर धरती को नरक बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें जिहादी कह रहा हूँ। अगर कोई भारत माता में निश्चित तौर पर वो लोग जिहादी हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो लोग जिहादी हैं। अगर कोई सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हुए दूसरों के धर्म स्थलों का सम्मान करता है, दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान करता है, पर्यावरण का सम्मान करता है, सुअरों की तरह जनसंख्या नहीं बढ़ाता, तो मैं उसे जिहादी नहीं कहता। आज आप देहरादून आए हैं, यहाँ से क्या कुछ संदेश जो है देशवासियों को देना चाहिए? मैं देहरादून से देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। आज धर्म हम सबसे बलिदान मांग रहा है और हमें बलिदान देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो धर्म, जो कौम अपने धर्म के लिए मिटने का जज्बा छोड़ देते हैं, बलिदान देने का जज्बा छोड़ देते हैं, भगवान उन कौमों को धरती से मिटा देता है। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हिंदू बलिदान देने के जज्बे को खत्म ना होने दें, राम का अनुसरण करें, कृष्ण का अनुसरण करें, परशुराम का अनुसरण करें, धर्म को बचाएं, सनातन को बचाएं और पूरे पर्यावरण, प्रकृति और इस पृथ्वी को बचाएं। वसुधैव कुटुंबकम किसी एक शहर की लड़ाई नहीं है, किसी एक स्टेट की लड़ाई नहीं है, पूरी मानवता की लड़ाई है। जिहाद को समाप्त किए बिना धरती पर मानवता बचेगी नहीं, यही मेरा संदेश पूरी दुनिया के नौजवानों को है। स्वामी जी, बलिदान देने की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये समय शांति व्यवस्था बनाए रखने का है? तो क्या शांति व्यवस्था मेरे बच्चों की कीमत पर बनेगी? क्या शांति व्यवस्था मेरी बेटियों की कीमत पर बनेगी? मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं शांति व्यवस्था में अवरोध नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन सच को यदि शांति व्यवस्था में अवरोध माना जाए तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। स्वामी जी, राम मंदिर का फैसला भी है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। 500 सालों के बलिदान के बाद भगवान राम आज अपने घर में वापस आए हैं। सारा हिंदू समाज प्रफुल्लित है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। आज उन लाखों बलिदानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी प्राण देकर हमारे लिए दिन को लाया है। उन लाखों आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया। न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं और देश की मजबूत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं जिसके कारण ये संभव हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये संभव नहीं होता। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और ये लेकिन लड़ाई की शुरुआत है, इसे अंतिम मानकर अगर सनातन के लोग बैठ गए तो फिर उनका विनाश होगा, ये भी सबको संदेश देना। कुछ लोग सर फैसले का जो है असहमति जता रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, कुछ लोग नहीं, कट्टर पंथ के इस्लाम के जिहादी असहमति जता रहे हैं। जिनको मैं जिहादी कहता हूँ वो असहमति जता रहे हैं। और दारुल उलूम देवबंद, जो जिहाद की पूरी दुनिया की सबसे अग्रणीय संस्था है, वो पहले कह चुके हैं कि तुम अभी मंदिर बना लो। 20 साल पहले उनका स्टेटमेंट था जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया था कि तुमने आज अपनी जनसंख्या के बूते पर तोड़ दिया है, एक दिन हमारी जनसंख्या इस देश में तुमसे ज्यादा होगी, फिर तुम जो भी बनाओगे हम उसे तोड़कर मस्जिद फिर दोबारा से बनाएंगे। ये 20 साल पहले वो कह चुके हैं, मुझे याद है, मैं हिंदू समाज को याद दिलाने के लिए निकला हूँ।
एक सवाल आपने, एक बात और आपने यहाँ पर की है कि कहीं मंदिर बना दिया जाए और फिर से उसे तोड़ने की कोशिश की जाए। नहीं देखिए, अगर सनातन धर्म कमजोर हुआ और जिहादी ताकतवर हुए तो वो तोड़ ही देंगे, इसमें नई बात क्या है। दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को तोड़कर ही बनाई गई हैं, तो ये भी टूटेगा। आपके देहरादून के मंदिर टूटेंगे, हरिद्वार के मंदिर टूटेंगे, सारे मंदिर टूटेंगे अगर हिंदुओं की जनसंख्या घटती रही। स्वामी जी, जनसंख्या नियंत्रण पर आपने कुछ गुजारिश की है सरकार से? देखिए, मेरा सरकार से बहुत पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने कि कोई भी किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भाषा का बोलने वाला हो, किसी प्रांत का रहने वाला हो, किसी को भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आजादी इस देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक ये कानून नहीं बनाया है। मेरी मांग तो बहुत पुरानी है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, केवल सरकार के बूते पर ना रहें, जब तक ये कानून न बन जाए कोई भी हिंदू चार या पांच से कम बच्चे पैदा ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जनसंख्या कम कर लें, जिहादियों की जनसंख्या बढ़ जाए, कल सरकार भी उन्हीं की हो, सब कुछ उन्हीं का हो और हमारी बेटियां फिर मंडियों में बिकने लगे।